ए पीनू, मम्मा से सीख रहे हो काम? हाँ बराबर है, गर्ल्स लोग मम्मा को देख के ही सीखते सारे काम। वेरी गुड, देखो हम्म, हाँ, ओके ओके, यू गोइंग, गो गो गो। हम्म, अस्सलाम हम्म, वालेकुम। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुबह जब उठाते हैं तो हेल्थ के साथ और एक सुनहरी सुबह आंखों को दिखाते हैं, तो हमेशा ब्लेसिंग के साथ, दुआओं के साथ और अच्छी सोच के साथ ही सुबह की शुरुआत करनी चाहिए। और ये देखो, ये जाएगी नहीं, नहीं जाएगी, क्योंकि मैं इसकी मदर हूं ना, तो अपने मदर को छोड़ के बच्चे कभी जाते? जैसे आपने देखा ना, मदर्स डे का वीडियो देखा होगा, तो आपको भी ये चीजें थोड़ी, जो मैंने और डॉक्टर पोला ने जो डिस्कस किए, हम दोनों मदर हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई चीज वीडियो के लिए किए, हम एक दूसरे के साथ ये बातें इसलिए शेयर किए क्योंकि ये बातें हम आपको देना चाहते थे। और मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत सारे मिडिल क्लास के जो मदर्स होते हैं और उससे भी लोअर क्लास जो रहते हैं, जो स्लम एरिया में रहते हैं, वो लोग मुझे खास करके प्यार करते, क्योंकि मैं जब बाहर की दुनिया में निकलती हूँ मार्केटिंग के लिए, या मार्केटिंग जैसे कि शॉपिंग हाई लेवल की नहीं होती, मार्केटिंग होती है घर की, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी, भाजी पाला, नॉन वेज वेज जो भी लेने हम जाते हैं, तो आपको वहाँ जो एरिया में आप रहते हो वो मार्केटिंग में अगर आपको लोग मिलते हैं, तो अगर वहाँ पे लो कास्ट के, क्योंकि मैं खुद भी स्लम एरिया में रह चुकी हूँ तो मैं जानती हूँ, तो ऐसे लोगों के लिए खास मैंने ये बातें शेयर की हूँ, क्योंकि जिन बच्चों को मैं काउंसलिंग करती हूँ वो बच्चे भी इसी तरीके के एरिया से आते हैं। और कोई बुरी बात नहीं है कि बच्चे अगर कोई नशा में पड़ गए तो उनको हम इसमें डाल दिए, जैसे कि नशा मुक्ति केंद्र में, तो ऐसे नहीं, हम मदर है, पेरेंट्स है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे को किस तरीके से हम वो दुनिया में ला सके जो हम जीते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। और मैं काउंसलिंग करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक आप लोगों के साथ ये बातें शेयर नहीं की, लेकिन मेरी काउंसलिंग से कुछ बच्चे आज यहाँ नहीं, अपनी अच्छी एक जॉब में, इंटरनेशनल जॉब में रहते, और आज भी मेरे साथ उनके फोन पे कांटेक्ट है, तो इसीलिए हमने ये बातें शेयर की। और देखा आपने, क्योंकि मैं बिजनेस के साथ में हमेशा ही मैं आपको ये चीजें, ये तो एक मौका था मदर्स डे का मुझे बोलने को मिला, पर मैं हमेशा ही आप लोगों को इनडायरेक्टली घर के कामों में कुछ बातों में ऐसे मैसेज देती हूँ कि घर के काम हो तो कभी, अगर हाउस वाइफ है तो वो तो उसका काम ही है, पर अगर वर्किंग वुमेन है और अगर आपके पास सर्वेंट नहीं आ रही है तो डोंट वरी, बिल्कुल फिक्र नहीं करना है, क्योंकि आप मदर्स के साथ साथ एक स्ट्रांग वुमन हो, जो वुमन पावर होता है ना वो हर सिचुएशन को पावर करता है, तो इसीलिए मैं आपको बहुत सारी चीजों में मैसेज देती हूँ, तो आप समझा कीजिए। और जैसे मुझे क्या दुख नहीं है, बहुत दुख है, लेकिन कभी आपने देखा कि मैं अपने दुख को इजहार करती हूँ? मैं हमेशा ही आप लोगों के सामने खुशी, हंसी, मजाक और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों को अच्छी लगे, ताकि उससे आपके दिल को ठंडक मिले, तो आप भी हमेशा ऐसे ही बनिए। दुख तो हमारी जिंदगी में है और उसको हमारे सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। मैं अपने काम से तो हो गई शुरू, पर ये जो मैंने आपको बताया कि बच्चों को जो हम बॉन्ड देते हैं, बच्चों के साथ हम जो चीजें शेयर करते हैं, तो बच्चे वही चीज सीखते हैं जो हमें देखते हैं। संडे तो के दिन सुबह 9:30 बजे, हाँ, और देखो ये मेरा बड़ा बेटा ये जा रहा है अपने काम से, और मेरे बच्चे कभी कोई चीज को शर्माते नहीं है। जैसे मैं, आप लोग जानते हो कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा बेटा एक ओला का बिजनेस करता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ड्राइवर अगर नहीं होता है तो मोस्टली वो खुद ड्राइव करके वो गाड़ी को चलाता है, और वो इनकम करता है जो उसको अच्छा लगता है और करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कि ये देखकर वो मायूस होती, मैं बहुत प्राउड होती हूँ कि मेरे पास इतना होते हुए भी मेरा जो अली है माशाल्लाह। और ये आओ, आपको भी एक हाथ तो आपको भी बनता है डार्लिंग। नहीं भाई, तो एकदम प्राउडली जो करो प्राउडली करो जी, भले 2 रुपया काम करो बस प्राउडली करो, खुद का बिजनेस। तो यही मैं चाहती थी कि जो मेरे बच्चे मुझे बिना बोले मैं जो चीज मेरे से मुझे देखते हैं, तो ये इनके अंदर आनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे कोई फिक्र नहीं, मेरे बच्चों के अंदर वो सारी चीजें आ गई है जो मैं दिल से चाहती थी। और आप भी पेरेंट्स जैसे मेरे जैसा सोचते होंगे, तो मैं तो दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी भी दिल की ख्वाहिशें आपके बच्चे पूरी करें, आमीन। माशाल्लाह पूरा काम घर का हो चुका है, और मैंने अपने लिए बनाई चाय, और ये मेरा बेटा रात में मंगाया था मेरे लिए फ्राइड राइस,
तो मैं तबीयत थोड़ी मेरी ढीली हो गई थी तो मैं खाई नहीं। देखो ये भी रूम पूरा मेरा हो गया क्लीन और ये भी रूम पूरा क्लीन हो गया। जब मैं सुबह उठी तो अली में बोला मामा मैंने आपके लिए खाना मंगाया था, तीखा नहीं था, हालांकि मेरे बेटे को थोड़ा तीखा पसंद है। तो मैंने बोला बेटा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, चलो मैं अभी खा लेती हूँ। तो अभी मैंने चाय के साथ में निकाली फ्राइड राइस और लगाई हूँ जूने गाने और थोड़ा सा चाय पीते पीते इंजॉय करूँगी, बिकॉज बच्चे नहीं हैं तो पुराने जो सॉन्ग होते हैं ये बहुत मज़ा देते हैं जब अकेले में आप बैठ के सुनते हो। तो जैसे अभी सारा काम मैंने बच्चों को सौंप दियो, लेकिन कहीं कहीं मुझे जाना पड़ता है तो इसीलिए मेरा काम बच्चे संभालते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो रहता है खाली मेरे पास रहता है। तो अमीन को ऐसा लगता है कि मम्मी खाली नहीं रहना चाहिए, तो अमीन ने मेरे लिए लिया है अमेजॉन प्राइम, जो उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे सीरीज़ आते रहते हैं। अभी एक सोनाक्षी सिन्हा की जो सीरीज़ आई है दहाड़, आप सबको भी वो देखना है, बहुत अच्छी है और उसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तू फिश खाएगा बेटा? मैं ये कांटे वाली है तो नहीं खाऊंगा। नहीं ऑयल निकाल के देती हूँ ना, मतलब फ्राई करके फिर तेरे एयर फ्रायर में उसको फिश निकाल ऑयल निकाल देती हूँ। बट कांटा वो कौन निकालेगा? वो तो इसको ही निकालना पड़ेगा, मैं निकालू? हाँ वो भी आप निकालो तो ही खाऊंगा। मैं निकालती हूँ, मैंने बहुत अच्छी फिश करी बनाई। दो चारी टेस्ट आ रहा है इसका तो मैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं चारी टेस्ट आपको जाके मेरे चैनल पे देखना पड़ेगा। चारी टेस्ट है कि स्पाइसी टेस्ट है कि खट्टा टेस्ट है कि मीठा टेस्ट है, कभी कभी मीठी भी फिश बनी जाती है। जा अंदर जा, ये सुबह से ये भी खाना नहीं खा रही, क्या पता क्या उसको भी उसकी मम्मी की याद आ रही होगी। हाँ सच बात है, मेरी मम्मी के नाम पे कुछ चीज मैंने बनाई हूँ। और एक आंटी रहते हैं बहुत बहुत उम्र वाले, मैं हमेशा जाते आते, अभी कहाँ रहते पता है, जो मैंने आपको हमेशा बहुत बार बताई हूँ, कब्रिस्तान जहाँ मेरी मम्मी यहाँ पे अंदर है वहीं पे वो आंटी बैठते हैं, मशान भूमि के इधर। मशान भूमि के इधर, वो मुस्लिम नहीं है, वो मशान कब्रिस्तान के बाजू मशान भूमि है, वो वहाँ बैठते हैं। तो मैं हमेशा उनको जब भी वहाँ से गुजरती हूँ जो मेरे से होता है वो जरूर उनके लिए करती हूँ। तो आज मेरा दिल चाहा कि मेरी मम्मी के नाम पे खाना मैं उनको खिलाऊं, और वो भी एक बड़ी उम्र वाले माँ है तो मैं तो उनको माँ की नजर से ही देखती हूँ। आप इधर रहते तो उन्हें गाड़ी चोरी करते हैं, उधर आसपास अंदर रखा था, वो गाड़ी चोरी हो गया। खाना खाए? क्या लाया खाना? क्या है खाना? चावल आया। मैं लाई खाना, खाएगा? आओ ये पकड़ो, आओ खाना तो मैं लेकर ही निकली थी, पर अम्मा को जो है हिंदी नहीं आती, तो मैं थोड़ा हिंदी थोड़ा उनकी भाषा मिक्स करके थोड़ी कोशिश करती हूँ हमेशा उनसे बातें करने की। और फिर मैंने अपने हाथों से, मैंने सोच कर निकली थी कि मैं अपने हाथों से ही खाना उनको निकालूंगी खिलाऊंगी, और उनके पास दुआ अगर वो नहीं भी दिए तो मैं उनका हाथ अपने सर पर रख कर आऊंगी। आज गाड़ी नहीं लाया, आज बेटे के साथ में बाइक पे आया, बाइक आया, गाड़ी नहीं लाया। कल नहीं लाऊंगी तेरे को, कल नहीं लाऊंगी। पीना कोलाडा तो खाना क्यों नहीं खाते, तेरा पेट देख कितना पतला हो गया। देखो अकेले को गर्मी लगती, तेरे तो इसे चालू करती हूँ ना, क्यों नहीं खाना खा रही तू? बिल्कुल खाना नहीं छूती, इधर रखो उधर रखो, सब जगह चेंज करते रहते, क्या क्या करते रहते। कान उठा के मत सुन मेरी बातें, कान उठा के मत सुन। देख देख भाई अपने लिए क्या मंगाया, देख खाएगी? मेरे बेटे ने स्पेशली जूस से ऑर्डर करके ताड़गोला फ्लेवर, क्योंकि ताड़गोला फ्लेवर जो होता है सिर्फ जू पे मिलता है। और आपको हॉल में इसको लाने का फीस वो लोग एक्स्ट्रा 150 रुपए लेते हैं। कोई बात नहीं,
ये प्यार होता है ना माँ के लिए, तो ये प्यार है तुम्हारा मेरे लिए। तो और बापे ये कब मंगा के रखा था, भूल गया था आई थिंक दोपहर। और मामा मेरे बच्चा, मेरे को याद भी नहीं है टाइम तो। अच्छा दोपहर में मैं जब लेटी थी पूरी बर्फ बन गया था। उल्टा करो ना उल्टा, थोड़ा सा गिर जाएगा, मैंने पिघल दिया इसको। ओह माय गॉड, हैप्पी मदर्स डे सबके साथ करती हूं ना। ये मेरे बेटे ने तो मेरे लिए मंगाया ताड़गोला, जैसे देखते ही रहते हो मैं रोज ताड़गोले खाती हूँ, तो स्पेशली ताड़गोला मलाड लेके गए थे अयुब मेरे को ताड़गोला के। आइसक्रीम खिलाने पर मलाड में नहीं मिलती, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जू पे मिलती है। वाओ नेचुरल्स वाओ में। तो अमीन ने फिर वाओ नेचुरल जो जू में है वहां से ऑर्डर करके मेरे लिए मदर्स डे पे स्पेशली ताड़गोला आइसक्रीम मंगाया है। तो मैं चाहती हूँ सारी माओ के साथ मैं इसको शेयर करूँ। हैप्पी मदर्स डे मेरे बच्चे के, जैसे मुझे किया मैं आपको करती हूँ कि आपके बच्चे भी इसी तरीके से हमेशा आपको हैप्पी मदर्स डे पे कुछ ना कुछ जो आपके पसंद की चीज हो वो दिया करे। तो खा लो, ऐसे महसूस करो कि आप भी जो मेरा ब्लॉग देखते हो जो मदर है, तो ऐसे महसूस करो कि ये अमीन आपका भी बच्चा है और आपकी ब्लेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंशाल्लाह मैं सोच रही ब्लॉग भी एंड यही करूँ, बहुत छोटा सा ब्लॉग है। दिन भर घर में रहती तो क्या शूट करूँ, कुछ इतना खास तो रहता नहीं, पर यह है कि दिन भर की कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अपडेट जो होती है मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। इससे क्या होता है मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ मैं कनेक्ट रहती हूँ और मेरा माइंड फ्रेश रहता है, क्योंकि बहुत सारा काम जो है मैंने अमीन के हवाले कर दी हूँ। तो अली तो अपने काम में बिजी रहता है, तो अभी मम्मी ने अपने पीए के नाम पे सब दे दिए। नहीं मेरे बच्चे के नाम। और मैं चाहती हूँ कि मैंने जो बिजनेस दी हूँ मेरा बच्चा वो छोड़ के अपना कुछ एक मकाम हासिल करे, अपना कुछ एक नाम बनाए और अल्लाह पाक मुझे इतनी हयाती दे कि मैं वो देख सकूं। मेरी दिली ख्वाहिश और दिली तमन्ना है कि मेरे बच्चे का जो भी बिजनेस स्टैब्लिश हो या जो भी या कोई एक जॉब पे भी करे वो, तो मुझे देखना है उसको वो पोजीशन पे। इंशाल्लाह आप जो माओ लोग हमेशा ब्लेसिंग देते हो मेरे बच्चों को, तो आप भी ये दुआ जरूर करना कि जो मैं सोचती हूँ मेरे बच्चों के लिए अल्लाह पाक वो इनके साथ जरूर करे। आमीन। चलिए फिर हैप्पी मदर्स डे के डे के साथ साथ हैप्पी हैप्पी मेरा दिल मेरे बेटे ने किया, तो मेरे बेटे को मेरे दिल से भी ब्लेसिंग है।